शादी करेंगे परिवार से मिले विजय सिंह जी आप आपने शांति से बात कीजिए। शांति से एक सवाल है कि विकास मंच महिला विकास मंच है तो आप लोग महिला के साथ खड़ा है। हो सकता है कि महिला गलत हो पुरुष सही हो तो पुरुष मंच तो है ना कि पुरुष के साथ खड़ा रहेगा। महिला विकास मंच आप देखिए महिला विकास मंच क्या होता है कि महिला विकास मंच है सही बात महिला विकास मंच था। अभी पिछले एक साल से हमने काउंसलिंग में जब महिला विकास मंच में अगर महिला आवेदन लेके आती है तो महिला विकास मंच में जब हम लोग पुरुष को बुलाते हैं जैसे अभी रौशन को बुलाते हैं तो मालूम जब दोनों को जब महिला काउंसलिंग होती है उसके बाद हमने पुरुष को बुलाते हैं। जब पुरुष आते हैं तो जब दोनों को जब हम लोग बैठा के काउंसलिंग करते हैं तो पता चलता है कि ये महिला गलत है तो हम लोग पुरुष का साथ देते हैं। ऐसा नहीं है महिला विकास मंच कोई पुरुष की दुश्मन नहीं है। अगर महिला गलत होती है तो हमने महिला को भी सजा देते हैं और उनको भी जेल के सलाखों को पीछे भेजते हैं। तो ऐसा मत बोलिए कि महिला विकास मंच पुरुष का साथ नहीं है कि अगर ये लड़की गलत लड़की महिला मंच से अपना बेटा को फोन किया गया था बुलाया गया था कि अगर अभी भी हम बोल रहे हैं ऑन कैमरा बोल रहे हैं अगर ये पीड़िता अभी तक हम मान रहे हैं अगर ये पीड़िता नहीं है तो आपका बेटा को आकर के साबित करना चाहिए कि ये गलत है। उस वक्त साथ छोड़ देंगे लेकिन उसे सामने आना चाहिए और उसे 2-3 बार कॉल किया गया है वो सामने नहीं आया। मीना जी की बात हुई हमारे घर से बात हुई बोला था कि हम आएंगे 12 बजे आएंगे 2 बजे का टाइम 4 बजे का टाइम। मैडम सुनिए ना चोरी ही नहीं करेगा डरना नहीं हमने गलती नहीं लड़की अगर गलत होती तो लड़की क्यों आ गया लड़की गलत होती तो लड़की अगर रौशन सही है तो रौशन सामने आ जाए आपने वो बताए मतलब उनका डर जो सच्चाई बता रहा है उनका जो भागना और उनका छिपना ये कहीं ना कहीं ये सत्य के घेरा में गलती है। आप लाके रोशन रखे किरण जी अभी आप दिखा रहे हैं पत्नी बनती रोशन की इतना आवेश में नहीं इतना आवेश में बिल्कुल चुप रही। अरे बर्बाद करने पे तंग हो गया अरे तो बोले आप लोग आवेश में क्यों आ रहे हैं आवेश में नहीं आए बोले आप सुना रहे हैं जैसे बोले बाबू पूरा बात सुनाइए अध्याय में कट करके नहीं पूरा आप लोग सुनिए इस चीज को देखिए। हाँ क्या बोले करेंगे कर लिए है नहीं पीछे कीजिए तो सुना कहीं ना कहीं भैया का पैसा का हाथ आप भी लगाए क्या इस पर आपसे लोग जानना चाहेंगे कि आप प्रोफेशनल आप क्या करते हैं थोड़ा से लोग यानी कहीं ना कहीं आप लोग का भी कुछ तरह से बोलना है। और जब मीडिया वाला पहले बोलने दिए, पहले पूरा बात सुनिए। सुपरस्टार है, बाकी ये इतना बड़े सिंगर है कि आप कितना तक तिलक लेने के लिए सोच रहे हैं। बेटा की तरक्की से चलते उठते हैं, क्या कुछ करना है, सपोर्ट करना है कि आपका लड़का खूब ज्यादा नाम कमा रहा है। क्या आज हमारे साथ अपना भी है, देखिए जाने माने सिंगर रौशन भैया के पिताजी हैं, पापा जी हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अंका जी, कभी आपने सोचे थे कि आपने लड़के के नाम से आपको पहचान मिलेगा कि ये लग रहा है उसी का कंप्यूटर है? क्या आप इससे पहले कभी सोचे थे ऐसा कुछ करना है? टाइम उसका नहीं बोला, फिर आगे पूछे मैडम ये बस करवानी है, कुछ नहीं है। आप लोग आइए, वो हम लोग दिखा देंगे। बिल्कुल सच्चाई है, सच्चाई जो हमेशा सामने आनी चाहिए। आपको सामने महिला मंच को पैसा दिया गया, 1000 लाख रुपया में बिक जाएगा, तो वहाँ पर क्यों गई? मैडम थोड़ा सा, मैडम थोड़ा सा, अगर एक मशीन आते अगर महिला खरीदेगा। आप मीडिया कर्मी को क्या बताया उन कैमरे किरण कुमारी के बारे में? अभी वीडियो में चल रहा था, क्या बताया? वीडियो में चल रहा था जी कि शादी करेंगे जी, दोनों को मतलब शादी हो करेंगे, में कोई इतराज नहीं है, बशर्ते शादी हुआ नहीं है। शादी करेंगे, उसके परिवार से जाके मिलेंगे, शादी करेंगे। उससे पहले आपने बहू एक्सेप्ट कर ली। कहाँ पे बहुत कैसे बहू एक्सेप्ट ली? अभी आपने बयान में बोला है, अभी आपने बोला, आपने बयान में बोला है शादी होगा, मतलब आप चीजों को जानते थे कि आपका बेटा लिविंग है, आपकी भी बेटी है। रौशन कुमार पवन कुमार आपने एक्सेप्ट किया ऑन कैमरे लड़का करेगा, हम करेंगे नहीं। आपने शादी करेगा, देखिए ये इनके मम्मी बहन सबके साथ फोटो खींचा है। यहाँ मैडम नहीं थी तो आपने ऐसा क्यों कहा कि हम इसे बहू के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? ये मेरी बहू करेंगे तो बिना शादी के इसको ला कर आगे क्या करना? आगे अब आपसे पूछते हैं मैम, ठीक है मेरा बच्चा शादी करेगा, हम इतने तो नहीं करेंगे, बच्चा करेगा, बच्चा तो शादी करेगा। कुछ छुपा ही के छोड़ी हूँ, विजय जी ये लगा लाइव चल रहा है, टेंशन मत लीजिए, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, ये हल्ला नहीं, लाइव चल रहा है। छोटे भाई ये सुनो ना, बात करने का तभी सिखा रहे हो।